इस फैमिली का हर कोई बंदा जो है ना वो मस्ती खोर है, और ये यहाँ इन चारों को देख के तो प्रूव हो चुका है, बल्कि ये खुद बहुत अरसे से प्रूव करे, लेकिन अब मुझे देखना है ये जो पीस है जो इसका मैका है वहां से मुझे क्या वाइब्स मिलती है। तो ये पहली दफा आ रही है मेरे पास। बिल्कुल मैका होने वाले पूरे ये सारे पहली दफा ही कहीं पे अबू आए हैं तुम्हारे मेरे पास। हाँ। जी, और एक भी 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 हमारे साथ किसी शो में थे, अपने शो में वाले, लेकिन उसमें सारे एक साथ नहीं था। ये पूरी पूरी फैमिली, ये निदा, ये दोनों भी तुम्हारे साथ। हाँ मेरी यही भाई फैमिली। आइए जी आपका इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं हेरा के मैके से। मैके में अम्मी अब्बू के अलावा जो कहती ना मर्द बड़ी प्यारी चीज है, वो इसीलिए कहती है जो हेरा तुम यहाँ बैठो और सारे मर्द इधर हैं। तो जी हमारे साथ है हेरा का मैका। ये इधर से इधर आप जरा फोर शॉट बनाए, फोर शॉट बनाए। हाँ, और सबसे बड़े भाई उनका नाम है तला जमाल। तला जमाल, तला जमाल का क्लोज बनाए स्टार्ट की तरह डन 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 डन। और तो मुझे सब लगा कि जुड़वा है ना, मतलब ये MCQs के क्वेश्चन नहीं होते। दूसरे भाई है, दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे वैसे मैं हूँ, लेकिन सेकंड पे उबैद है। अरे खुल जाओ भाई आज अपना शो, क्या टेंशन ली है तुम लोगों ने। और ये सबसे छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े लगे भाई, ये जो सबसे छोटे भाई है तो मुझे लगा बड़े भाई है। ये क्या माशाल्लाह से बीवी बच्चे पांच बच्चों के नहीं मजाक कर रही था। सबसे छोटा ये मैरिड है, इसकी शादी तो अभी मैं जल्दी नहीं होने दूंगी। ये तीनों मैरिड है माशाल्लाह से। अच्छा नहीं देखिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये रिश्ते आप लोगों के ढूंढने के लिए हेरा जाती थी अम्मी के साथ, रिश्ते तुड़वाने जाती थी। हेरा से हम चीजें छुपाते थे क्योंकि अगर हेरा को पता चल जाती थी तो वो रिश्ता बनता नहीं था। क्योंकि हेरा ऐसा माइंड बना लेती कि वो लड़की में सारी बुराइयां में फिर नजर आने लग जाती थी। आप लोगों ने इसीलिए आपने कहा कि ये मिशन अधूरा रह जाएगा, इसलिए ये हम खुद ही कर लेते। हेरा को बताया कब बुलाते थे आप शादी की, कौन से शादी वाले दिन वलीमे वाले दिन भी इनवाइटेड। नहीं सिचुएशन ये थी कि मुझे समझ आ जाता था कि लड़की आया इनसे सीरियस है या इस तरह ना, मैं थोड़ा सा वो समझ जाती थी। अच्छा। तो लेकिन अब जो लड़कियां इनके पास हैं माशाल्लाह से वो मेरी चॉइस ही है। ओहो। हाँ अम्मी की और मेरी चॉइस है। तो ये माशाल्लाह इनका क्लास 7 से अफेयर चल रहा था उसकी लड़की से जिससे इनकी शादी हो गई। ओए होए हसन का। हाँ बिल्कुल मेरी किस क्लास से, क्लास 7 मतलब साथ ही थे क्लास 7। हाँ जो एजुकेशन थी ना तो वो हेरा को मैंने बोला कि मेरी इससे दोस्ती करा दो हेरा। हाँ। तो हेरा ने ही मेरी दोस्ती कराई थी। ओह हाँ, लेकिन जब ज्यादा दोस्ती हो गई थी तो फोन एकदम मैं तोड़ भी दिया था। अच्छा कल पेपर था इसका, कल पेपर था और ये बैठ के फोन में ना बात कर रहा है, और मैंने कहा तुम क्यों फोन पे बात कर रहे हो, कितने बजे, रात के 2 बजे उठ गई थी और ये फोन पे लगा हुआ था। इन चारों में वो कौन सा भाई है जिसने फोन मिलवाया तुमसे और तुमने कहा सुनेमो अम्मी अम्मी ने फोन उठाया और तुमने बोला सुनेमो उनको बुला दे और उसके बाद तुमने अपने भाई को फोन दे दिया। नहीं वो लड़कियां माशाल्लाह किस भाई के लिए की? नहीं किसी के लिए। हाँ हसन एक दफा एमन से मैं मिलने गई थी, एमन लेके गया था कि उसने कहा था कि मेरी क्लास फेलो आ रही है, तो फिर मैं गई थी मिलने और ये बाइक पे बाहर था और मैं अंदर में जी जी करके आई थी, अब वो आके खुद ऑफिस करने आई थी एमन। काफी सारे झूठ बोलने पड़े थे। चलो आप बैठो हेरा के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।